Pandemic of COVID-19 has changed the way of thinking. People are now in great hurry to learn new skills. We are here to serve you. We are IT for solutions. Become software engineer without any degree. IT for Solution is offering online point of sale software development course using C# and SQL Server. Our major course contents are Advanced Level C# and SQL Server, 3-Tier Architecture, Design Patterns, Custom ORM Development, Entity Framework, Crystal and RDLC Reports, Make an Executable Setup and Deployment on Local Computers, Deployment on Multiple Computers, Deployment on Web Server like GoDaddy. We are starting new sessions from 20th July 2020. Register now as limited seats are available. You can contact us on 0092-346-568-9297. Course duration is 45 days, 1-hour daily online class. Okay, so abhi hum yahan pe the, ye Visual C# mein humne Windows select kiya, then Windows Forms application, and phir humne kya kar diya, calculator. इसका नाम लिख रख दिया और जिधर आपने इसको सेव करना है उस जगह पे आपने क्या कर देना है, इसको सेव कर देना है। मैं इसको कहीं अपने पास प्रोग्रामिंग और उसके अंदर सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर बल्कि मुझे इसको सेव करना चाहिए समवेयर एल्स, आईटी फॉर सॉल्यूशंस एंड देन ऑनलाइन कोर्सेज, और इसे क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसे मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। जब भी आप विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसको सेट करना पड़ता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम चेंज करेंगे, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, कैलकुलेटर फॉर्म। ये जो नेम प्रॉपर्टी होती है ये हम लोग यूज़ करते हैं कोड में, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं कोड में। अगर आप इस फॉर्म को देखो तो अभी स्टिल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म 1। हमने इसका नेम प्रॉपर्टी चेंज किया, हम इसे कोड में एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस नेम। अभी हमें इसका टेक्स्ट चेंज करना है, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कर देंगे माय कैलकुलेटर, ओके। और इस स्टेज पे अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड से ये ओपन हो रही है, हमें इसे, हम चाहते हैं ये स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर से ओपन हो। और हम इसकी एक प्रॉपर्टी है स्टार्ट पोजीशन, इसको क्या कर देंगे, सेंटर स्क्रीन, ओके। उसके अलावा मुझे इसका चेंज करना है बैकग्राउंड कलर, और वो मैं कर दूंगा एक्टिव कैप्शन। एंड मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे कोई हमारे फॉर्म को रीसाइज ना कर सके ताकि उसका लेआउट डिस्टर्ब ना हो, तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, इसे हम क्या कर देंगे, फिक्स्ड सिंगल, एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद हमें यहाँ पे एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है जो कि ऑलरेडी किसी ने उस दिन डिज़ाइन किया था, अगर वो प्रोवाइड कर दे या मैं किसी कहीं से फाइंड कर दूँ। किसने डिज़ाइन किया था, चलो ठीक है, नहीं है तो ना सही, इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स एक हमें चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स वो लगा देते हैं इधर। और उसके अलावा हमें चाहिए एक बटन, इसको लगा देते हैं। और यही कुछ हमें मेरे ख्याल से अपने कैलकुलेटर के लिए चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मल्टी लाइन कर दूँगा और इसको थोड़ा सा रीसाइज कर दूँगा, ठीक है। ये मेरा बटन है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये इसकी वर्टिकल हाइट को चेंज करता हूँ और मेरे ख्याल से ये इतना ठीक रहेगा। इसको बटन 1 के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। और इसका नाम जो है वो क्या कर देता हूँ, BTN 1, ओके। और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसको 15 कर देते हैं, और अगर इसे 18 कर दें या 20, डायरेक्टली इसको 20 कर देते हैं। और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी को मैं क्या कर देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, सही है। अब मुझे इसके लिए चाहिए बटन्स, ये आ गया, उसके अलावा ये और ये आ गया। कंट्रोल प्रेस करेंगे आप और क्लिक करेंगे तो ड्रैग करके आप इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं, ये आ गया, सही है। और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कैलकुलेटर खोलते हैं यहाँ से, क्या है, 0 फिर 1 2 3, अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं,
इसे क्या कर देते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, इसे सेट कर देते हैं इक्वल के, सही है। और उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, इस बटन्स की कॉपी बना लेते हैं, प्लस और फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर रिमाइंडर, और ये कर देते हैं। चलो यार, मुझे ये ठीक है। हाँ, ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और ये तो एक्स्ट्रा आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसके पहले क्या ये आ गया, और उसके अलावा ये इसको छोटा करता हूँ, सही है। ये हमारा कैलकुलेटर, डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है लेकिन ये मैटर नहीं करता, आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसे हम क्या कर देंगे, रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स इसका नाम रख देंगे, और रिमेंबर ये नेम हम लोग यूज़ करते हैं कोड में। यार मुझे इसका ठीक नहीं लग रहा, चलो सही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको क्या कर देते हैं, प्लस, पहले बटन सारे पूरे हो जाए ना, उसके बाद फिर इसको हम चेंज करेंगे, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर, ओके। और ये रिजल्ट हो गया टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद क्या हुआ है, हाँ थैंक यू, मैं भी इसीलिए सोच रहा था कि वो किधर है यार, ये बटन्स का लेआउट क्यों नहीं पूरा हो रहा। हाँ थैंक यू यार, आपने मुझे बताया, और जज़ाक अल्लाह इसके लिए, और बताते रहना जिधर मैं भूलूँगा, चूँकि मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। सही है, ये हो गया, अभी सिर्फ देखो, अब आपको आइडिया हो जाए, बेसिकली थोड़ा सा आप बेसिक से निकलो ना, अभी थोड़ा इसको काम करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, बाद में आप बना लेना। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक। और उसके अलावा हम इसे क्या कर देते हैं, टेक्स्ट जो है इसका वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। अभी ये साइड पर आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये राइट साइड पर आए, तो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है, इसे हम लोग क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया, अब हम लोग क्या चाहते क्या है बेसिकली, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला काम हम ये चाहते हैं, जब वन प्रेस करें, टू प्रेस करें, थ्री, फोर, फाइव, कुछ भी प्रेस करें ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी आ जाए, ऐसे ही है ना। अभी आपको आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ, अच्छा एक सेकेंड, बस ठीक, अभी देखो ज़रा, अभी नज़र आ रहा है आपको, सही है। अच्छा अभी हम लोग चाहते क्या है बेसिकली, कि इस पर कुछ क्लिक करें तो वो इधर लिखी आनी चाहिए वैल्यू, सही है। हाँ लेट्स, अब हम वन से ट्राई करते हैं ना, पहले इनके नाम भी चेंज कर लेते हैं, इसको क्या कह देते हैं, BTN1। अच्छा ये हम इसे ऑलरेडी किसी को दे चुके हैं, तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा किसको दिया था हमने। अच्छा इधर से करते हैं,
प्लस बटन, फिर माइनस बटन, और ये btn और txt आपने यूज़ नहीं करना, ये चूँकि मेरे पास सिनेरियो ऐसा है मेरे लिए मुश्किल होगा पूरा लिखना, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बटन, ऐसे आपने लिखना है बटन पूरा, डिवाइड बटन और रिमाइंडर बटन और इक्वल बटन और उसके अलावा ज़ीरो बटन, फिर वन बटन, टू बटन, देन थ्री बटन, फोर बटन, फाइव बटन, सिक्स बटन, सेवन बटन, एट बटन, नाइन बटन है। ओके सो सबसे पहले हम वन से स्टार्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं यार, हम कर देते हैं रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू वन। ओके स्टार्ट करते हैं और वन पे क्लिक करते हैं और ये वन हो गया है, जब मैं मल्टीपल दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा अगर मैं इसके साथ प्लस लगा देता हूँ, इसको कंकेटिनेट कर देता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है इसकी उसमें प्लस का इंक्रीमेंट कर दो, तो स्टार्ट करते हैं। सही है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये ज़ीरो जो है ना स्टिल आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कंकेटिनेट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने पहले ये चेक करना है इफ़ रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर तो उस टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ ज़ीरो पड़ा हुआ है तो फिर क्या करो, रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू वन। अगर सिर्फ ज़ीरो पड़ा हुआ है तो उसे आपने क्या करना है, वन दे देना है। और इसको स्टार्ट करके देखते हैं, देखो अभी इसमें ज़ीरो पड़ा हुआ है तो वो इसे क्या कर रहा है, वन दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें फाइव लिख देता हूँ और वन प्रेस करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमने एल्स को नहीं किया कि अगर ज़ीरो के अलावा कुछ पड़ा हुआ तो फिर क्या करना है। फिर हमने इसको लिखना है एल्स रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू, ज़ीरो के अलावा जो भी पड़ा हुआ है उसमें क्या कर दो, एक को ऐड कर दो। स्टार्ट करते हैं, अभी ज़ीरो पड़ा हुआ है तो वन क्लिक करेंगे, देखिए सिर्फ वन आ गया, अभी वन है तो अगर अभी क्लिक करूँगा तो इसके क्लिक इवेंट पे ये कंडीशन पहले फॉल्स हो जाएगी और ये क्या कर देगा, उसमें इंक्रीमेंट कर देगा, ऐड हो रहा है। अगर फाइव लिखता हूँ करता हूँ, देखिए फाइव के आगे वो क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। ओके ये तो ठीक लग रहा है हमें काम। अब अगर मैं दूसरे बटन के लिए इवेंट जनरेट करता हूँ और इस कोड को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर उसमें ज़ीरो पड़ा हुआ तो फिर आपने क्या लिखना है, बोलो यार क्या लिखूँ यहाँ पे, टू, और अदरवाइज़ टू का मैंने क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना, साथ साथ बोलते रहेंगे ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको समझ आ रही है। वन के लिए काम कर रहा है, टू के लिए काम कर रहा है, अगर इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ और टू प्रेस करता हूँ एंड ये काम कर रहा है। अच्छा मेरे पास अभी नौ बटन्स हैं, तीन तीन छः तीन नौ और दस बटन्स हैं, मुझे दस के लिए ये काम करना है, तो ये तो प्रॉब्लम है ना, 10 के लिए काम करना है तो ये एक प्रॉब्लम है कि 10 के लिए मुझे बार बार ये कोड हर एक के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि हम कोई ऐसा फंक्शन, चूँकि मैं जो काम करवाऊंगा आपको, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि हम बेसिक्स या फिर यूट्यूब वाली अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, हम कुछ नया सीखेंगे, थोड़ा सा एडवांस काम करने की टेक्निक सीखेंगे। जब हम POS बनाएंगे तो आप देखोगे कि हम डिफरेंट तरह की क्लासेस बना रहे होंगे, उसमें डिफरेंट फंक्शंस बना रहे होंगे जो कि हमारे लिए कोड डुप्लीकेशन को और रिडंडेंसी को रिमूव कर रहे होंगे। सही, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगरचे मैंने इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे करना क्या है एक्चुअली, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसको फंक्शन में कन्वर्ट करूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है फंक्शन क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, रिटर्न टाइप्स क्या होती हैं, फंक्शन यूज़ क्यों होते हैं, थ्रेटिकली सबको पता है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली जब करने को कहें किसी चीज़ को कि फंक्शन में कन्वर्ट करो तो सोच में पड़ जाते हैं।
तो देखो जब भी आपने कोई फंक्शन बनाना है ना, तो आपने आपकी जो एग्जिस्टिंग चीज़ काम कर रही है उसको रहने देना है, और आपने एक अपना फंक्शन लिखना। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ प्राइवेट वाइड रिमूव ज़ीरो, क्योंकि हमने ज़ीरो को रिमूव करना है, तो ये हमारा फंक्शन है। लेट से ये कोड मेरे लिए काम कर रहा था, तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया फ़िलहाल, ओहो इसको कॉपी किया और इधर आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का ये काम है कि जिस भी बटन पे क्लिक होगा ना, तो हम इसे बता देंगे कि हाँ यार भाई चेक करो ज़ीरो है तो ठीक है, अदरवाइज़ जिस बटन पे क्लिक हो रहा है ना उसको क्या करो, उसका टेक्स्ट, हाँ उसका टेक्स्ट लिख दो, सही हो गया, गुड। अच्छा तो ये बात तो ठीक होगी किसी हद तक, सही है। अब हमने क्या करना है, ये टेक्स्ट किधर से आएगा। अब ये टेक्स्ट जो है ये इधर हम स्टैटिक दे रहे हैं, तो हमेशा जब फंक्शंस बनाते हैं तो हम इसे क्या करते हैं, इन स्टैटिक चीज़ों को पैरामीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे चाहिए एक नंबर, तो मैं इधर क्या लिखता हूँ, इंट नंबर, सही है। अब ज़ीरो को मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से करो, स्ट्रिंग भी अभी मैं बताऊंगा आपको। इधर हम क्या लिखेंगे, नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको इधर कर देंगे, ये होगा। अब जो भी मैं इसको नंबर दूंगा ना, ये क्या करेगा, उसे कौन बोल रहा है यार, क्या कह रहा है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे अब ये टू के बटन के केस में ना इसको रिमूव करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल फंक्शन को कॉल करना है रिमूव ज़ीरो, और इसमें मैंने डबल कोट्स में क्या पास कर देना, टू पास कर देना, और इधर हमने क्या करना है रिमूव ज़ीरो, और इसमें हमने क्या पास कर देना, वन पास कर देना, सही है। अच्छा ये ठीक हो गया, ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इसीलिए डिफरेंट काम करेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएं। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, काम कर रहा है, हाँ। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इन सारे बटन्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि सिमिलर चीज़ जो है वो बार बार कॉल हो रही है सिंपल क्लिक इवेंट पे, ऐसे ही है ना, हाँ। तो उसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम नहीं है, 10:05 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली ये करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। 3, 4 हम सब के लिए एक कम्बाइन इवेंट जनरेट करके, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि इस डुप्लीकेशन को आपने ख़त्म करके, तो इसमें वो क्या करना है, एक ही कोड लिखना है जो सब बटन्स के लिए काम कर दे। 6 और ये 7, एट एंड देन 9। ओके तो आपने देखा हमने क्या किया है, हमने 1, 2, 3, 4 लाइंस को हमने कन्वर्ट करके तो एक लाइन में लिख दिया, मतलब हर बटन के पीछे हमें ये 4 लाइंस लिखनी पड़ती थी, हमारे बटन थे टोटल 10, और इसे हर बटन की लाइन पे हमने लिखना था 4 और इक्वल्स टू 40 लाइंस ऑफ कोड था, जिसे हमने रिड्यूस करके 4 लाइंस ये हैं 10 वो है, हमने उसे ले गए हैं 14 लाइंस पे, ठीक है। ये इससे भी शॉर्ट होगा, ये जो ये अलग अलग इवेंट जनरेट हो रहे हैं ना 10, ये भी आपके नहीं होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया, आपने ये काम करना, सही है। अच्छा अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम किस स्टेज पे हैं। अब अगर 0 प्रेस करो तो 0 आना चाहिए ना, लेट से मुझे 100 लिखना है, 0 नहीं आ रहा। अब 0 के लिए क्या काम होगा, रिमूव 0 और इसमें हम 0 पास करके देखते हैं, स्टार्ट कर दें, 0 प्रेस करें कुछ भी नहीं हो रहा, ये काम कर रहा, ठीक है।
सही हो गया। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है, अभी हमें अपनी कैलकुलेशन की तरफ जाना है। और सबसे पहला काम क्या करना है कि लेट्स से हमारा काम का प्रोसेस क्या है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 50 और फिर मैं प्रेस करता हूँ प्लस का बटन, तो क्या हो जाना चाहिए, ये 50 यहाँ से ख़त्म हो जाए ताकि हम दूसरा नंबर लिख सकें और फिर हम इक्वल का बटन प्रेस करें और रिजल्ट हमारे पास आ जाए। इजेंट इट ऐसे ही है? ठीक है, सबसे पहले मुझे ये काम करना है कि प्लस के बटन पे ये वैल्यू कहीं स्टोर हो जाए। अली ने कल आपको वेरिएबल्स पढ़ाए थे, और इक्वल पे बटन पे मुझे रिजल्ट चाहिए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मुझे चूंकि सब बटन्स के लिए काम करना है तो मैं क्लास लेवल पे ना राइट क्लिक करता हूँ पहले इसको, और क्विक एक्शंस, और इनको क्या कर देता हूँ, रिमूव अननेसेसरी यूजिंग्स। और क्लास लेवल्स पर मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ ताकि मैं पूरी एप्लीकेशन में उन्हें एक्सेस कर सकूँ। और मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और मुझे चाहिए इंट, या फिर आप ले सकते हो डेसिमल, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और रिजल्ट। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई प्लस के बटन पे क्लिक करे तो जो भी लिखा हुआ हो इसमें टेक्स्ट बॉक्स में वो जमा हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, अब लेट्स से इस जूम मीटिंग विल एंड इन पता नहीं कितने, हाँ ठीक है 10 मिनट्स दे रहे, अच्छा सही है। अच्छा, मैं अभी इस स्टेज पे डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल, और मैं इसे क्या कर देता हूँ, रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, कि जब कोई प्लस का बटन क्लिक करे तो जो भी उसमें लिखा हुआ है वो आप क्या करो, फर्स्ट नंबर में स्टोर करवा दो। स्टार्ट करते हैं, मैंने इसको एज इट इज़ ज़ीरो पे मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और जब मैं रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मतलब 0 + 20 = 20 आ जाएगा। तो अगर चाहे वो ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा वैलिडेशंस को भी देखें। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखना इफ रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ट्रिम फंक्शन यूज होता है एम्प्टी स्पेसेस को रिमूव करने के लिए, इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी और रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम इज इक्वल्स टू 0। अगर उसमें वो एम्प्टी है या उसमें 0 पड़ा हुआ है तो एम्प्टी हम करने नहीं देंगे उसको, चूंकि हम इसे क्या कर देंगे, राइट क्लिक कर देंगे और इसे इसकी इनेबल्ड प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। इनेबल्ड अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करेंगे, रीड ऑनली को फॉल्स कर देंगे ताकि थोड़ा सा ब्लैक कलर का ही हो जाए। अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं तो हम इसे चेंज यहाँ से नहीं कर सकते, ठीक है। स्टिल इस पे कर्सर आता है तो उसके लिए मुझे इनेबल्ड प्रॉपर्टी को भी फॉल्स करना है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, हाँ अभी कर्सर नहीं आ रहा, सही। अब यहाँ से हम इसे चेंज नहीं कर सकते, राइट। और अभी हम इधर आते हैं, हम इसे कहते हैं कि अगर उस वो स्ट्रिंग एम्प्टी है, यार एक सेकंड रुकना प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, ठीक जी। यार मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आप मुझे 20 या 30 मिनट बाद कॉल करो प्लीज़। ओके ओके, अच्छा तो हम इसे थोड़ा सा वैलिडेट ये करेंगे, हम उसे मैसेज देंगे कि यार आपकी जो वैल्यू है वो वैलिड नहीं है। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो, और मैं इसे क्या करूँगा, प्लीज़ एंटर वैलिड वैल्यू, और इसकी कैप्शन जो होगी, इधर मैं लिख दूंगा एरर, और इसका जो आइकन है बटन्स वो ओके, एंड देन आइकन जो है वो एरर होगा, या इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, क्योंकि उस तरह से सिस्टम का कोई एरर नहीं आया, सही है। और अभी इसको स्टार्ट करते हैं, अभी मैं प्लस पे बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो कह रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड वैल्यू, और अगर मैं 10 कर देता हूँ और प्लस करता हूँ तो वैल्यू मेरी किधर स्टोर हो गई है, इस फर्स्ट नंबर में। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मेक श्योर कर लेता हूँ कि मेरे फर्स्ट नंबर में क्या आ रहा है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और मैं इसे क्या कर देता हूँ, फर्स्ट नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, 10 प्लस करता हूँ तो देखो फर्स्ट नंबर में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है मेरे पास। अब मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं तो मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी कर देना है, रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट
इज इक्वल्स टू दिस। स्टार्ट कर दें, ये आ गया प्लस और वो ये एम्प्टी हो गया, सही है। अगर थोड़ी सी मज़ीद मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे एक आप क्या लगा लो, ये थोड़ा सा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा आप क्या क्या कर सकते हैं। एक लेबल लगा लो यहाँ पे, ये इस कॉर्नर में लगा लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन लेबल इसका नाम रख देते हैं। और जो इसका इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ से डाउन कर देते हैं लिटिल बिट इस जगह पे। और मैं इसे क्या करता हूँ, इसका जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था, प्रॉपर्टीज़, वो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, किधर गई है मेरी लेबल, इंफॉर्मेशन लेबल, हाँ इंफॉर्मेशन लेबल, मैं इसका जो फोर कलर है उसे चेंज करके रेड में कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब बटन पे क्लिक किया उसने, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, ये रिज़ल्ट एम्प्टी हो जाए और जो मेरी इन्फॉर्मेशन लेबल है डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू ये लिखा आ जाए, एंटर सेकंड वैल्यू। स्टार्ट कर देते हैं, 10 प्लस करते हैं, तो देखो क्या कह रहा है, एंटर सेकंड वैल्यू। अब जब कोई बटन क्लिक हो तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ऑलरेडी हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसमें चलते हैं, गो टू डेफिनेशन करते हैं, और रिमूव ज़ीरो वाला फंक्शन अभी हमारे लिए मल्टीपल काम्स कर रहा है। हम यहाँ पे चेक करते हैं, इफ़ इंफॉर्मेशन लेबल डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी ना हो तो आप इसे क्या कर दो, इंफॉर्मेशन लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, और इसे ज़ीरो को ख़त्म करने से पहले हमने करना है, ओके। प्लस भी आ गया इंटर सेकेंड वैल्यू। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखा वो ख़त्म हो गया। अब 20 मैंने लिखा है, तो जब मैं इक्वल प्रेस करूँ तो जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की वैल्यू है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो अगला मेरा काम है वो इक्वल के बटन पे है। अच्छा, सही। अब क्या करते हैं, एक और वेरिएबल हमें चाहिए, वो होगा, आप स्ट्रिंग की टाइप का ले सकते हो या ऑपरेटर, मैं इंट की टाइप का इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसमें इंट ओ डबल पी, इंट इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे डबल कोट्स में लिखना नहीं पड़ता। अब मैंने इसको सिस्टम को बताना है कि यार ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, जब डबल का बटन प्रेस होगा तो इसकी वैल्यू स्टोर होगी, उसके बाद क्या होगा, ऑपरेटर इज इक्वल्स टू वन। हम ये कंसीडर कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में कि जो ऑपरेटर है वन होगा इज इक्वल्स टू प्लस, टू इज इक्वल्स टू माइनस, थ्री इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, फोर इक्वल्स टू डिवाइड एंड फाइव इक्वल्स टू रिमाइंडर, ठीक है। अब मैंने प्लस के बटन पे क्या किया, मैंने इसे कहा कि ये वैल्यूज वेरिएबल में स्टोर करो, उसके बाद जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू को क्या कर दो, वन कर दो आप, एंड दैट्स इट। अब मैं इक्वल के बटन पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, सबसे पहले जब जैसे ही बंदे ने प्रेस किया ना इक्वल, अभी देखो सिनेरियो को समझो, मैंने लिखा वन, ये हो गया, उसके बाद मैंने लिखा 20 और मैंने इक्वल प्रेस किया। इक्वल का बटन प्रेस करने करते टाइम मुझे क्या करना है, इस 20 को सेकेंड वेरिएबल में स्टोर करवाना है, उसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है। तो अगेन मैं वही लेके आ जाऊँगा अपनी कंडीशंस, यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और इक्वल में डाल देता हूँ, अगर वैल्यू वैलिड नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं। अगर वैल्यू वैलिड है तो मुझे क्या करना है, सेकंड नंबर इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल, और मैंने इसमें क्या करना है, रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम कन्वर्ट करके इसमें स्टोर करवा देना है। उसके बाद मुझे स्विच यूज़ करना है, और स्विच मुझे यूज़ करना है ऑपरेटर पर, चूँकि अभी मेरे पास मल्टीपल कंडीशन हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ है, तो मुझे स्विच ऑपरेटर को यूज़ करना है। आप स्विच भी यूज़ कर सकते हो और इफ़ भी यूज़ कर सकते हो, ऑपरेटर पे मुझे यूज़, जो स्विच है वो यूज़ होती है एक्सप्रेशंस को चेक करने के लिए, और जो इफ़ है वो कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज़ होती है। अब एक्सप्रेशन है ना, इसमें लिखा हुआ है ऑपरेटर, मैंने इसको दिया है, अब ये चेक करेगा कि ऑपरेटर में क्या क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। अगर मुझे इफ़ यूज़ करना होता तो मैं यहाँ पे लिखता इफ़
ऑपरेटर इज इक्वल्स टू वन, तो फिर ये काम करो, ये वाला इस तरह से। हाँ अच्छा, मैंने ये लगा दिया। अब इसमें हम केसेस डिफाइन करते हैं। पहला केस क्या है, अगर वन है तो वन हमने रखा था प्लस के लिए, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके बाद मैं इसे ब्रेक कर दूँगा। सही है। और अभी इसको हम कॉपी करते हैं नीचे, पेस्ट 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 एंड वन मोर टाइम पेस्ट, वन टू थ्री फोर और फाइव। ये वन टू थ्री फोर फाइव रखने का मकसद ये था, ये इंटीजर टाइप लेने का, कि कभी प्लस का बी कैपिटल हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, इस तरह के सिनारियों से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं एडिशन के लिए। उसके अलावा ये था माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये था रिमाइंडर। ओके सो स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ 10 प्लस 20 इक्वल्स 30। ओके अभी इस स्टेज पे मेरे पास 30 है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ और लिखता हूँ 50 इक्वल्स 80। अभी 80 है, प्लस करता हूँ, मैं लिखता हूँ 160 इक्वल्स 240। सही है। अभी ये सिर्फ प्लस की हद तक काम कर रहा है, चूँकि अभी हमने सिर्फ प्लस को क्या किया, लिखा है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये सारा काम हम अगेन कर रहे हैं इक्वल के बटन पे। ऐसे ही है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए भी एक फंक्शन बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे नीचे, प्राइवेट वॉइड कैलकुलेट रिजल्ट, और मुझे इसे क्या देना है, एक ऑपरेटर देना है, और ये उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेगा। ब्रेक में आप डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हो, अगर इनके अलावा कोई वैल्यू आए तो, चूँकि हमारा ऐसा सिनारियो नहीं है, हम बटन्स के साथ काम कर रहे हैं तो वैल्यूज़ हमेशा यही आएंगे। इसे कट कर लेते हैं और ये यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, अंडरस्कोर कर देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि ये वाला ऑपरेटर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें यूज़ कर रहे हैं। और इधर मैं क्या कर दूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा कैलकुलेट रिजल्ट, और इसमें मैं क्या पास कर दूँगा, ऑपरेटर वेरिएबल को पास कर दूँगा। ठीक है, ऑपरेटर ना भी आप पास करो तो ये तब भी क्या कहते हैं, काम करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन बेटर ये है कि इसे पास कर दो। लेट्स से हम इसे नहीं भी करते तो ये तब भी काम करेगा, क्योंकि ऑपरेटर जो हम ग्लोबल क्लास लेवल पे उसे यूज़ कर रहे हैं। सही, ये प्लस के लिए था। इसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और माइनस के लिए पेस्ट करता हूँ, और मुझे इसको क्या करना है, किधर गया ये, तो मैंने वो कर दिया प्लस, हाँ प्लस के लिए मुझे काम करना था, तो अब माइनस के लिए करेंगे, और ऑपरेटर हमारा हो जाएगा टू, उसके अलावा फिर मल्टीप्लाई के लिए करेंगे, ऑपरेटर हो जाएगा थ्री, और डिवाइड के लिए करेंगे, ऑपरेटर हो जाएगा फोर, और इसके लिए करेंगे हाँ इसको फोर कर देते हैं, और इसको फाइव कर देते हैं। सही है, स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा। भी डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन हम इसके साथ करेंगे, 20 plus 30 50 50 minus 20 30 30 multiplied by 2 60 60 divided by 2 30 30 minus 4 26 remainder 5 1। ओके ये भी कैलकुलेटर हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। एक चीज़ इसमें अभी रहती है, वो ये है कि हमें इसके लिए वो ऐड करना चाहिए था, एक बटन और ऐड करना चाहिए था, तो मैं इसके क्या करता हूँ, कॉपी बना लेता हूँ और इसे थोड़ा सा डाउन करते हैं, और इसको मैं लिख देता हूँ क्या, सी होता है मोस्टली इसके साथ यूज़, और इसका मैं नाम दे देता हूँ क्लियर बटन।
जब आप बटन्स को कॉपी करते हैं तो उनके अगर ऑलरेडी इवेंट डिफाइन हुए हों तो वही इनको असाइन हो जाते हैं। हम इसके लिए कुछ डिफरेंट काम करना है। जी हाँ, वो भी ऐड कर सकते हैं, अभी उसके लिए टाइम नहीं, ऑलरेडी 10:30 हो चुके हैं। इवेंट्स पे चलते हैं। देखो इस पे माइनस बटन का इवेंट ऑलरेडी अप्लाई हुआ हुआ है। जब मोस्टली बिगनर्स क्या करते हैं, बटन्स को कॉपी करते हैं, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखो इस पे भी यही कोड लिखा हुआ है और लिखा आ रहा माइनस बटन। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, इवेंट्स पे जाना है और इसको क्या करना है, ख़त्म कर देना। और इस अभी देखो क्लियर बटन का आ गया। मुझे क्या करना है, मुझे ग्लोबल वेरिएबल को रीसेट करना है, इज इक्वल टू 0.0m, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0.0m और ऑपरेटर इज इक्वल्स टू 0 और क्या करते हैं उसको, रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 0। उसके अलावा तो नहीं हम लोग मेरे ख्याल से कुछ यूज़ कर रहे हैं। स्टार्ट कर लेते दोबारा, 50+36 इक्वल्स टू 86 सी, देन 20+30 इक्वल्स टू 50। ओके, सो ये आपका कैलकुलेटर है। इस तरह से आप मतलब डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हो। सही है, अभी भाई ने बोला था आपका पॉइंट का वो मिसिंग है, तो शायद इसीलिए मेरा इसका डिज़ाइन नहीं हो पा रहा था। मुझे इसके लिए पॉइंट का बटन भी ऐड करना चाहिए। इसका इवेंट पहले क्लियर करते हैं और इसकी जगह पे पॉइंट डाल देते हैं और इसकी जगह पे क्या कर देते हैं, पॉइंट बटन। ओके, सो इसकी जगह पे देखते हैं, अभी हमने इसकी जगह पे अगर रिमूव ज़ीरो को कॉल करते हैं और मैं इसमें डॉट लेके भेजता हूँ और स्टार्ट करता हूँ दोबारा, ये देखो ये पॉइंट आना शुरू हो गया। सही है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन करना है। तो पहले मैं इसको एज इट इज़ इधर लिखूँगा। मुझे क्या चाहिए, मैंने देखना, इफ़ रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 0। अगर तो ये 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0, 0 तो मुझे कुछ भी नहीं करना। अगर 0 नहीं है तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू पॉइंट। अगर उसमें कोई और वैल्यू पड़ी है तो उसके साथ मुझे पॉइंट लगा देना। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी मैं पॉइंट क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, 20 पॉइंट हो गया, लेकिन इतने पॉइंट तो नहीं होते ना कैलकुलेशन में, ऐसे ही है। हाँ, अभी मुझे इस इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लिखनी है, यानी कि नेस्टेड इफ़ लिखनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इफ़ की पहले कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। अगर सिंगल कंडीशन आपकी हो, सिंगल लाइन ऑफ कोड आपने लिखना है इफ़ के बाद, तो आपको कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत है। अब मैंने क्या करना है, अगर वो 0 उसमें है तो फिर तो 0 नहीं है, तो फिर उसके बाद अगली चीज़ मैंने क्या चेक करनी है, इफ़ रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट कंटेंस, और मैंने इसे डॉट देना है और इसके बैक पे मैंने क्या लगा देना, नॉट। अगर उसमें डॉट ना ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो तो क्या करना है, उसमें डॉट लगा देना है। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं, डॉट कर रहे, नहीं काम कर रहा, 10 प्रेस करते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, काम कर गया, दोबारा से करते हैं तो नहीं कर रहा। सही है, 10.20+9.80 20। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये डॉट को भी ऐड कर सकते हैं। लेट से कोई बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं मेरे पास ना, इस तरह से दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मैं, 65 पॉइंट ये वैल्यूज़ आ गई प्लस 36 पॉइंट ये वैल्यूज़ आ गई, इक्वल किया, तो ये देखा ये कितनी बड़ी कैलकुलेशंस आ रही हैं। सही है, डेसिमल की जब आप फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल को यूज़ करते हैं तो ये मसला होता है। तो इसके लिए कैलकुलेट पे इक्वल पे चलेंगे, कैलकुलेट रिजल्ट पे चलेंगे। तो मुझे क्या करना है, मैं ये कर सकता हूँ, इसको यहाँ से ख़त्म करूँ पहले, तो ये बार हर जगह पे यूज़ हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार यूज़ हो रही है। और
इस स्विच के बाद ना मैं इसको लिख देता हूँ रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके अभी देखते हैं सही से काम कर रहा है, फिर अगला काम इस पे करते हैं। 45 पॉइंट ये हो गया प्लस ये, अभी मुझे इनको ख़त्म करना है। तो ऑलरेडी सी शॉप में एक फंक्शन अवेलेबल है डेसिमल डॉट राउंड, और ये वैल्यू है जिसको मैंने राउंड करना है। इसका सेकंड पैरामीटर है नंबर ऑफ डेसिमल्स, तो मुझे 2 डेसिमल चाहिए। और अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है चूँकि इसको स्ट्रिंग चाहिए होती है। ये कन्वर्ट करेगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँगा। स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से, और ये हो गया सही है।